हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। मार्वल का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इंडिया में फैंस इतने हो चुके हैं कि बस पूछो ही मत। इसी खुशी को देखते हुए आप लोगों के लिए खतरनाक अपडेट है। थॉर लव एंड थंडर 7 तारीख को रिलीज होने वाली है, जो कि अमेरिका से पहले स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, जो कि बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यहाँ पे डिज्नी ने यह कंफर्म कर दिया है कि इंडिया में पहली बार 4 दिन तक थॉर लव एंड थंडर के लगातार शो चलेंगे दिन रात। यानी कि 7 तारीख को रात को 12 बजे से ही पहला शो है चुनिंदा थिएटर्स में। जी हाँ, अब वो थिएटर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी अगर सिटीज का नाम ले लिया जाए तो दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, 4 सिटीज तो यही हैं। और भी कौन कौन सी सिटीज होती हैं, कौन कौन से थिएटर होते हैं सेलेक्टेड, और अगर उनका नाम कंफर्म हो जाता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उन सेलेक्टेड थिएटर्स में 4 दिन तक कंटिन्यूस शो चलने वाले हैं। रात को 12 बजे से थॉर लव एंड थंडर का पहला शो लगेगा 7 तारीख को, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये शो चलेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए। और मैं तो ये जब से खबर सुनी है मैं तो एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद आगरा में कोई भी मूवी 4 दिन तक कंटिन्यूस चलेगी थॉर लव एंड थंडर की, पर अगर कोई भी अपडेट आता है ओवरऑल किसी भी सिटी का तो मुझे जरूर बताना, और अगर मेरे को पता चलता तो मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस वीडियो का मेन मकसद है कि टॉप 10 डेली आपको अपडेट शाम को 5 बजे प्रोवाइड कराना। पहला अपडेट है वो है गेंता हॉकिंस से रिलेटेड। तो फाइनली इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जनवरी से साल 2023 से, कंफर्म हो चुका है। दूसरा अपडेट है जो कि बहुत ही कमाल का है पर रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। शी हल्क की जो सीरीज आ रही है उसमें अपडेट ये आया है कि आपको थिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में फैंटास्टिक का कैरेक्टर है, मेन लीड मेंबर, और वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो भाई लिटरली अगर ये रूमर सच हो गया तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा अपडेट है बहुत ही कमाल का, जो कि है हमारे मैन ऑफ स्टील हेनली कैवल से रिलेटेड। उन्होंने अभी हाल ही में खुलासा करा है कि वार्नर वॉर्स उनको सिर्फ कैमियो के लिए पूछ रहा था, पर उन्होंने इस चीज़ के लिए डिनाय कर दिया कि मैं रिटर्न हूँगा तो एक मूवी के लिए रिटर्न हूँगा, किसी कैमियो में नहीं आऊँगा। उनका ये डिसीजन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं खुद चाहता हूँ कि वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैन ऑफ स्टील 2 या फिर जस्टिस लीग 2 में आए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं स्कारलेट विच वांडा, सबकी फेवरेट, उससे रिलेटेड जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी साल 2023 से। अगर ऐसा सच हुआ तो लिटरली मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं एक और रूमर के बारे में, जो कि है जेसिका जोन्स से रिलेटेड। तो जेसिका जोन्स का कैरेक्टर प्ले करने वाली ने अभी हाल ही में रिवील्ड करा है कि अपकमिंग डेडेविल की जो रिबूट सीरीज आ रही है एमसीयू के अंडर, वो उसमें दोबारा से रिटर्न हो रही हैं, पर अभी तक ल्यूक केज या फिर आयरन फिस्ट का कंफर्म नहीं हुआ। जैसी कोई अपडेट आएंगे बता दूंगा। चलिए बात करते हैं लेडीज शिफ्ट के बारे में। उन्होंने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करा जिसमें कि उन्होंने बताया कि अगर इसके ऊपर एक सीरीज बनती है लेडीज शिफ्ट के ऊपर, बीटा रे बिल के साथ कोलैब करना चाहेंगी उस सीरीज में। मुझे तो ये उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं आज का कंफर्म और ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। मैं काफी टाइम से आपसे 1.5 साल से बता रहा था कि आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर भी देखने को मिलेगा, तो फाइनली उसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ उसके टीजर का, और टीजर अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और कोई भी अगर कंफर्मेशन आती है रिलीजिंग डेट से रिलेटेड, टाइमिंग को रिलेटेड, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं आज के ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जो है लोकी सीजन 2 की सेट इमेजेस। तो फाइनली यहां का कुछ डिस्क्रिप्शन पता चल चुका है मुझे, तो 1974 का ये टाइम है जिसमें कि लोकी एक मूवी के प्रीमियम में आया है, और वो मूवी बॉलीवुड की लगी हुई है। जी हां, आप पोस्ट देख के समझ गए होंगे मेरी स्क्रीन पे कि किसकी मूवी लगी है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो गाइस लिटरली मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड। तो फाइनली थॉर लव एंड थंडर में 2 कैरेक्टर का सीन कट कर दिया गया है, और जो कि रिवील्ड करा है क्रिस्टन बेल ने। क्रिस्टन बेल ने अभी हाल ही में खुलासा करा कि थॉर लव एंड थंडर में पीटर डिंकलन का रोल कट कर दिया है, और जिफ का भी रोल कट कर दिया। अब ये दोनों कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।